फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ठंड में खाई जाने वाली मूंगफली की चिक्की सिर्फ दो चीजों से 10 मिनट में बनने वाली मूंगफली की चिक्की पूरे ट्रिक और टिप्स के साथ बताऊंगी, जो कि 100% बाजार जैसी क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो आइए मूंगफली चिक्की की रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अर्चना, अर्चना ग्लोबल किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेजरमेंट के लिए आप कोई भी घर की कप या कटोरी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूंगफली और एक कटोरी गुड़ का लिया है और इसमें घी एक चम्मच लिया है। यहाँ पर गुड़ और मूंगफली दोनों समान बराबर मात्रा में है। यहाँ पर मैं एक थाली को घी से ग्रीस कर लूँगी क्योंकि बाद में समय नहीं रहेगा ना। और बेलने को भी मैं ग्रीस कर रही हूँ और एक स्पून को भी ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहे तो चकले में घी से ग्रीस करके आप बना सकती हैं। यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने रख दिया है, गैस लो फ्लेम पर रखना है। इसमें हम एक कटोरी मूंगफली डालेंगे और इसे चम्मच चलाते हुए हमें भूनना है। यहाँ मैं एक टिप से बताती हूँ, मूंगफली को लो फ्लेम पर ही भुने ताकि अच्छे से रोस्ट होए और मूंगफली क्रंची बने रहेगी। गैस को ज़्यादा रखने से मूंगफली ऊपर से तो सिकेगा लेकिन अंदर से नमी बने रहेगी और छिलका आसानी से नहीं उतरेगा। यहाँ मूंगफली रोस्ट हो गया है, इसे रोस्ट होने में 5 मिनट लगा है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हाथ से इस तरह करने से छिलके निकल रहे हैं, इसी तरीके से हम पूरे छिलके निकाल लेंगे। यहाँ पर मूंगफली को क्रश करने के लिए एक कटोरी लेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए इसे हम क्रश कर लेंगे। बाजार की मूंगफली भी इसी तरह से क्रश करके ही लिया जाता है। दोस्तों, गुड़ को मैंने यहाँ क्रश करके लिया है क्योंकि ऐसा करने से पकाते समय गुड़ को ज़्यादा समय नहीं लगता है और गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। एक चम्मच घी डालेंगे, घी के कारण गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है और चिक्की में भी शाइनिंग आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह मैं पूरे ट्रिक और टिप्स के साथ आपको बताते जाऊंगी तो आपकी भी मूंगफली चिक्की एक बार में ही अच्छी बनेगी। कुछ देर में गुड़ में बबल्स आने लगेगा। ठंड में गुड़ हमेशा शरीर को गर्मी देता है, इम्यूनिटी पावर को तेज करता है, मूंगफली शरीर को गर्म रखता है और ये प्रोटीन से पूरा भरपूर है। गैस को लो फ्लेम में ही रखेंगे, गैस को ज्यादा करने से गुड़ जल जाएगा और टेस्ट कड़वा आ जाएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में हम पानी लेंगे और इसमें हम गुड़ के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। देखिए, अभी ये सॉफ्ट है, इसे हम और 2-3 मिनट पका लेते हैं। ठंड में गुड़ और मूंगफली खाने से घुटनों का दर्द में आराम मिलता है और ठीक हो जाता है। इसे हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इसे हम उंगली से चेक करते हैं। देखिए, इस तरह से उंगली में करने से यह टूट जाती है, यानी कि यह पूरा क्रिस्टल होना चाहिए। इसे हम प्लेट में भी करके दिखाते हैं। देखिए, इस तरह आवाज़ आनी चाहिए। गुड़ का कलर डार्क हो गया है। अब हमारी चाशनी बन के तैयार है। अब हमारी पहले से तैयार मूंगफली को इसमें बहुत ही जल्दी से डाल देंगे और जल्दी से इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ना, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ग्रीस किए हुए थाली में हम निकाल लेंगे और हल्का ठंडा होने के बाद हमें इस तरह से हम चम्मच से प्रेस करते जाएंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इसे हम इस तरह से धीरे धीरे बेलते जाएंगे। ये पूरा अच्छे से हमारा बिल गया है। जब चिक्की हल्का गर्म रहे तभी थाली से इसे चिक्की को अलग कर ले, नहीं तो ठंडी होने के बाद थाली में चिपक जाएगी। यदि ऐसा हो जाए तो आप गैस में 1 सेकेंड रख कर इसे निकाल लें, पूरा आपका निकल जाएगा। और जब यह हल्का ठंडा हो जाए तब इसे हम चक्कू से निशान लगाते जाएंगे। मैं यहाँ स्क्वायर शेप में निशान लगा रही हूँ, बाजार में ऐसा ही रहता है ना। यह छोटा सा पीस अलग हो गया है, इसे मैं प्लेट में करके दिखाती हूँ। अभी आप सुन रहे हैं ना इसकी आवाज़, चिक्की एकदम क्रिस्पी बनी है। इसे मैं उठा के हाथ से दिखाती हूँ, यह पापड़ जैसे लग रही है ना, यह हमारी चिक्की परफेक्ट बनी है। इसी तरह से हम सभी पीस अलग कर लेंगे और इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। आप इसे एयर टाइट डिब्बे में बटर पेपर में लपेट कर रखें, चिक्की आपस में चिपकेगी नहीं। देखिए, हमारी चिक्की परफेक्ट बनी है और इसे आवाज़ भी आ रही है। देखिए, बहुत ही क्रिस्पी करारी क्रंची बनी है। तो आप भी मूंगफली की चिक्की बाजार जैसे घर बैठे बनाइए। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली मेंबर में शेयर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अर्चना ग्लोबल किचन को, बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। इंस्टाग्राम और मोज में आप जरूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप